ओके गाइस, तो भैया के पास जो है मैं एक और डॉग दिखाता हूँ जो कि है इंग्लिश बुलडॉग। देख रहे हो कितनी छोटी सी है, कितनी एज होगी भैया इसकी? ये ऐसे जोर मारता है, ये देखो इसकी इसमें इतनी जान है कि मेरे को एक बारी में खींच के ले जा सकता है गाइस। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए, ये सिर्फ ये भैया छुटवा ही रहे हैं इससे। इसके इसके कान देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, उसका फेस देखो कितना ज्यादा। ये भी यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज आज से पहले जो है मैंने अपने चैनल पे बहुत बार जो है माइक्रो बुली दिखाया, जिस किरत पाजी के बैड एस बुल टीम के बहुत सारे माइक्रो बुली दिखाए, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बड़े बड़े साइज़ के अमेरिकन बुली, डबल एक्सएल एक्सएल साइज़ के अमेरिकन बुली। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और उसकी तलाश में तो मैं फिलहाल अभी यूपी की तरफ चला हूँ, तो ज़्यादा समय लेते इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और आज बहुत ही मज़ेदार धूप आई है गाइस, इतने दिन से बारिश हो रही थी और आज धूप आई है, तो आज धूप भी सेकेंगे। और ज्यादा समय लेते हैं इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बुलंदशहर के अंदर ही, और हमारे साथ आज हमारे रोहित भैया। कैसे रोहित भैया? हेलो फ्रेंड्स। तो रोहित भैया को आप पहले भी हमारे साथ जगत अखिलेश सर के पास गए थे, तब रोहित भैया हमारे साथ में ही थे उस टाइम। तो रोहित भैया कैसा चल रहा है सब? बस सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रोहित भैया के साथ आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और रोहित भैया को भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो रोहित भैया आज हम अभी बुलंदशहर में हैं, यूपी के एक बहुत बड़ा सा मैं गाँव देख रहा हूँ, गाँव है। तो यहाँ पे आप हमें किससे मिलवाने लेकर आए हैं? ये मेरे एक फ्रेंड है प्रभजोत जी। हाँ जी जी, इनसे मिलवाने लेके आए, उनका बुली का वो है फार्म है, बुली की ब्रीडिंग। मतलब बुली का बहुत खतरनाक शौक है इनको, है बहुत शौक है इनको। तो आइए हम चलते हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। हमारे प्रभजोत जी। प्रभजोत जी कैसे हैं जी? बढ़िया भैया, आप सुनाओ क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। अरे ये कौन है? ओह भाई साहब, इसका साइज क्या है? ये अमेरिकन बुली है? ये अमेरिकन बुली है ये। और इसका साइज क्या है? ये पॉकेट में आता है भैया, 16 इंच के डॉग है। अच्छा। हाँ जी। वाओ यार, बड़ा स्मार्ट है यार ये तो। क्या इसका क्या नाम क्या है? इसका नाम महीम है भैया, ये वर्ल्ड चैंपियन डेक्स, आपने नाम सुना होगा, ये उसका डायरेक्ट ग्रैंडसन है ये। अच्छा, ग्रैंडसन है उसका। ये एप्रोक्सीमेटली अब 7 इयर्स का हो गया है। अच्छा, ये 7 साल का है। बड़ा यंग लग रहा है वैसे तो लड़का। ये काटता तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी। और उन्हें तो पीछे पड़ गया। ये इस कैटेगरी में सबसे बड़े हेड का डॉग है ये, है ना? लग रहा है कि इस कैटेगरी में इसका पूरा फेस अलग है गाइस। अरे बस बस, देख सकते हो नेक टोटली यूएस ब्लड लाइन है, तो उसको आप बोल सकते हो कि नेक इसकी प्रॉपर हेड के टाइप की नेक है इसकी। आप हां हां, तब तो ये लड़का हमारा 7 साल का हो गया है, क्या बात है, बोल सकते हो। तो भैया यार एक बात बताओ, मैं जैसे कि देख सकता हूँ बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सेटअप है सामने, वहाँ पर सारा का सारा डॉग का लगाया हुआ है, बीच में बहुत बड़ा गार्डन है। इधर क्या चीज है भैया? इधर ये अपना डेरी के लिए सोच रहे हैं हम आगे जाके, इन फ्यूचर हाँ, डेरी के लिए और घोड़ों के लिए। ऑलमोस्ट ये पूरा जो आपका फार्म है, एज वेल एज आपका शायद रेजिडेंस भी आप यहीं पे ही है, तो वो टोटल कितने एरिया में आपने करा हुआ है भैया? मेरा अप्रोक्सीमेटली फार्म जो मेरा डॉग का कैले मेरा बना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2 बीघे के आसपास है। 21 क्या बात है, 2100 या 2200 गज के अराउंड मान सकते हो आप। वाओ यार, ये देख रहे हो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास कौन सी ब्रीड है और कितने डॉग्स हैं, मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा। मेरे पास अप्रोक्सीमेट 30+ डॉग्स हैं, मोस्टली मेरे पास सारे अमेरिकन बुलीज हैं, फ्रॉम माइक्रो टू डबल एक्सएल। ओके, आपके पास बेसिकली साइज में बड़े अमेरिकन बुली हैं। हां बड़े हैं, डबल एक्सएल का अपने पास कलेक्शन इंडिया में सबसे बड़ा कलेक्शन अपने पास है ये। वाओ यार क्या बात है, इसको देख रहे हो। हाँ, ये में चल जाता है इसको। ये कहीं से लग रहा नहीं है अमेरिकन बुल्ली, ये बड़ा ऐसे वो लैबरा लग रहा है, इसको कोई बिला फुसला के ले जाए। हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके, तो भैया ऑलमोस्ट आपको कितना टाइम हो गया आप डॉग्स रखते हुए? चलिए हम चलते हैं इधर, और मैं आपको चाहूँगा एक बार हमारे को आप फार्म का टूर भी दे अपना थोड़ा सा, और बताएं कि आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आप डॉग्स वगैरह रखते हुए? एप्रोक्सीमेटली देखो, मैंने स्टार्ट किया था 2008 से। अच्छा, रॉटविलर ब्रीड से मैंने। हाँ हाँ, तब से मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम जब रॉट का क्रेज था। हाँ। रॉट का क्रेज करते करते थोड़ा क्रेज कम हुआ, अब आया फिर अमेरिका बुलीज में शौक हुआ। हाँ। एक्चुअली अपने को ब्रीड पसंद है एक्टिव ब्रीड जो होती है, जो बड़ी 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 ब्रीड, जो वर्किंग ब्रीड होती है आपकी। हाँ। तो मैं लगता है हाँ कोई डॉग है आपका। हाँ। इसलिए अब फिर हमने बुली से स्टार्ट किया, बुली करते करते अब हम डबल एक्सएल बुलीज में आ गए हैं। ओके गाइस, ये देख रहे हो, ये भी शांत बैठा है, तो मैंने सोचा इसकी एक फुटेज ले लूं, वैसे तो शांत बैठता नहीं। हाँ जी, उठ गया। ओके गाइस, सो वीडियो बनाते बनाते मैं फार्म के बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पर पीछे देख सकते हो, और
सामने भी देख सकते हो बहुत ही प्यारे सरसों के खेत दिख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग भैया ने दो डबल एक्सल साइज के अमेरिकन बुली जो है अपने स्टड जो है वो लेकर आए हैं। मैं अभी आपको वो डॉग दिखाता हूँ, भाई साहब आप वो डॉग देख लोगे ना तो आपको वो अमेरिकन बुली डबल एक्सल से प्यार हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कितने अमेजिंग। और साथ ही साथ है एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये इतने एग्रेसिव दिखते हैं और ये इतने एग्रेसिव होंगे, बट वो चीज़ नहीं है इनके डॉग्स में। भैया के डॉग्स में मैंने एक चीज़ देखी है कि सारे डॉग्स दिखते खतरनाक है बट है बहुत शांत। तो ये देख रहे हो ये इनका जो इनका पॉकेट साइज बुली है वो भी ऐसे विदाउट लीज यहाँ पे घूम रहा है। ओके गाइस सो अभी मैं दिखाता हूँ ये बहुत ज्यादा अमेजिंग अमेरिकन बुली। भैया इसका डबल एक्सएल साइज है राइट? हाँ जी भैया। भाई इसके मसल देख रहे हो आप? अरे 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 क्या बात है, इसके मसल्स देख रहे हो। ये भैया इतने ये उतावले क्यों रहते हैं ये ब्रीड? ये भैया ये ओपन रखने का यही होता है कि एक्शन ब्रीड रहता है, एक्शन रहता है पूरा झटका है ना। क्या बात है ये देख रहे हो, वाओ। सो भैया ये ऑलमोस्ट कितने साइज का हो गया ये? भैया अप्रोक्सीमेटली ये 25 इंच के अराउंड हो गया ये। हाँ हाँ। और इसकी एज कितनी है? 2.5 है। अच्छा सिर्फ 2.5? हाँ जी। तो ये आपकी खुद की ब्रीडिंग है? अपनी ब्रीडिंग है, ये ब्लैक पैंथर और ये मेरी गोल्ड माइन है। हाँ। ये उसका फर्स्ट रिजल्ट में से है ये। अच्छा मतलब पहला बच्चा आपने इसका तैयार किया? हाँ था जी। फर्स्ट लीटर में से तैयार किया था मैंने ये। क्या बात है। तो ये ऑलमोस्ट लगा लीजिए कि एक स्टड है आपका जो आप यहाँ पे आपके फार्म में है ना भाई। अरे 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 ये अग्रेसिव है वैसे? नहीं भैया बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। बिल्कुल चप भाई। अच्छा आप सबने देखा ना इसको कि कितना दिखने में कितना अग्रेसिव है कि अभी काट खाएगा पर ओके। इतनी जगह तो चाहिए अब एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो ये आ गया इनका जो दिखाते हैं खुला घूमता है। माइम हाँ देखो ये ऐसे खुला घूमता है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है लड़के को। तो भैया ऑलमोस्ट आपके पास और कितने मेल डॉग हैं? मतलब मेरे पास मेल डॉग अप्रोक्सीमेटली 4 और है। अच्छा तो यहाँ पे ही है सारे डॉग्स या अलग भी कहीं रखे हुए? नहीं भी दिल्ली में भी घर पे भी है मेरे। अलग अलग जगह रखे हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने करीब डॉग होंगे घर पे आपके? यहाँ पे तो जो 20 के प्लस है, 20-25 के प्लस 25 के करीब है। मतलब कम ज्यादा होते रहते हैं? हाँ, ये तो चलता रहता है भैया, ये तो देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भाजी मैं चाहूंगा अभी इसके बाद जो है हम आपका दूसरा डॉग देखिए। इस डॉग का नाम आपने भी क्या बताया था? हल्क। हल्क भाई लगता, अरे और लगता भी हल्क ही है। हाँ मेरा कैमरा ना तोड़ दिए तुम। बिल्कुल फुली एक्टिव भी ब्रीड है ये, बिल्कुल आपको फैट नहीं मिलेगा नो के अंदर। हाँ। ये जो ब्रीड होती है ये ब्रीड ही वर्किंग ब्रीड है ये। हाँ इसी को आप खिला पिला के हम फैटी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं रखने का इससे। तो मतलब आप एक तरीके से सिक्योरिटी है, इसको कैसे भी ले लो आप वर्किंग बोल सकते हो। वर्किंग का मतलब ये होता है खिलाने को क्या भी है, देखो आप उसको कितना मोटा कर लो डॉग है ये तो। बिल्कुल 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 बात है। बट डॉग को आप अपने बेटी तरह रखो ना, फिट रखो उसको। बिल्कुल बिल्कुल फिट रहेगा तो डॉग थोड़ा लंबा चलता है। हाँ ये पॉइंट है, ये होता है। ओके गाइस सो अभी मैं आपको जो है प्रभजोत पाजी का एक बहुत ही और अमेजिंग अमेरिकन बुली दिखाता हूँ। पाजी इसका साइज क्या है? ये भी डबल एक्सएल है ये। अरे वाह यार क्या बात है, डबल एक्सएल है इसका भी साइज। ये टोटली यूएस ब्रीड लाइन है सलनाई कैनल की। अच्छा हाँ जी। तो ऑलमोस्ट इसकी कितनी एज होगी इसकी? ये हो गया अभी 3.5 साल के आसपास। तो ये भी अग्रेसिव है? ये भी नहीं भैया, सब फ्रेंडली है भैया, आपको कोई भी डॉग आपको अग्रेसिव बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अमेरिकन बुली के नाम पे आप लैब्राडोर तैयार कर रहे हो। क्या बात है। नहीं ये की बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई फैमिली भी अगर ये ब्रीड लेना चाहती है तो अगर ये ब्रीड शांत है बट दिखने में अग्रेसिव है तो ये भी चीज सही है ना, कि अपने घर के बच्चों को तो कुछ ना कहे, कम एटलीस्ट अपने घर के बच्चों को कुछ ना बोले है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी क्या बात है यार, ये भी बड़ा बढ़िया ब्रीड भी है, सिक्योरिटी वाली ब्रीड है। जो कि भाई वो सिक्योरिटी के शौकीन या कोई ब्रीड का प्ले मतलब एक्टिव ब्रीड का वर्किंग ब्रीड का ये उस टाइप की ब्रीड है ये। क्या बात है यार। ओके गाइस सो अभी मैंने जो है हल्क को अपने पास लिया है। भाई हल्क देख रहे हो कितना अमेजिंग लग रहा है। हाँ हाँ सो मेरे को मतलब बेसिकली ये चीज़ मैंने हमारे रोहित भैया को हमने कैमरा पकड़ाया स्पेशली कि मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना थोड़ा सा इजी या टफ रहता है इनको हैंडल करना। अगर आप समझ लो ये ब्रीड आप अपने अपने शहर में रखी हुई है ठीक है और इसको आप घुमाने लेके जा रहे हो तो ये चीज़ याद रखें कि आप में भी इतनी जान हो खुद में कि इसको आप घुमा सके, क्योंकि ये देखो ये ऐसे जोर मारता है। ये देखो इसकी इसमें इतनी जान है कि मेरे को एक बारी में खींच के ले जा सकता है गाइस। हाँ तो थोड़ा देख के ही मतलब अगर घुमाने लेके जाते हैं इस ब्रीड को तो आप ऐसे खुद हो कि आप इसको संभाल सके एटलीस्ट। हाँ तो ये गाइस ये देख रहे हो ये जो इनका माइम है ये भाई सही है सी तो ये भाई साहब जो है बॉल के बहुत शौकीन है। हाँ हाँ देख रहे हो ये बॉल का बड़ा शौकीन लग रहा है मुझे। क्या बात कर देती है ये कम हाँ फिर सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये क्या बॉल का ज्यादा शौकीन लग रहा है मुझे? ये सी की बॉल है, फेवरेट बॉल है सी की ये। अरे भाई वो देख रहे हो कितनी कोशिश कर रहा है बॉल छीनने की भाई।
इसकी ड्राइव की खींच रहा है पूरा, ये जोर लगा रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बाबा बस छोड़ दे। ओ भाई वो लटक गया लटक गया लटक गया लटक गया। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए, ये सिर्फ ये भैया छुटवा ही रहे हैं इससे। भैया ने मुझे वार्निंग दी थी कि भैया बॉल इससे दूर रखना, और भैया के खुद के हाथ से बॉल पकड़ी गई। छोड़ 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 भाई, मैं भाई ये लगे ही हुआ है वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये इसको ट्रेनिंग मिली हुई है गाइस, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा और इस चीज का ज्यादा शौक है, इसको लगता है ये इसका टॉय है। One eternity later. छोड़ने को तैयार। हाँ नहीं, नहीं देखो बॉल छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी। अरे भाई छोड़ दे बॉल छोड़ दे। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है प्रज्योत पाजी ने मंगवाई है अपने दो बहुत प्यारे प्यारे फीमेल्स हैं उनके यहाँ पे अमेरिकन बुली की। तो पाजी ये जो दोनों के दोनों जो है फीमेल्स हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। अरे 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 भाई 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 वाओ कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है। इसका कलर को क्या कहते हैं, चॉकलेट कलर कहते हैं, शैंपेन बोलेंगे इसको। अच्छा वाओ। और ये जो दूसरी फीमेल है ये देख सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है मुझे इसके। ये मेरे को एम्स्टेफ लग रही है, ये एम्स्टेफ है या बुली ही है? बुली ही है भैया ये। तो ये एम्स्टेफ और ये बुली में अलग क्या फर्क क्या आ जाता है? ये कैटेगरी सारी सेम होती हैं ये। अच्छा पिटबुल बुली ये आपका ये इसका मैस्टर सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। ये लुक वाइज आप करोगे कंपेयर तो सेम होते हैं, सिर्फ साइज का फर्क होता है। हाँ ऑलमोस्ट यस जी। तो ये लगते ऐसे रही है जैसे ये एम्स्टेफ है, बट गाइस ये एम्स्टेफ नहीं है, ये अमेरिकन बुली है। और वहाँ पे वो दूसरी इनकी फीमेल, ये देखो आपस में ही लगे हैं, इनको खुला छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भाग गए तो हम सारे पकड़ते ही रह जाएंगे इनको, इसलिए इनको बांध करके एक एक करके लेकर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये ऑलमोस्ट कितना टाइम की है भैया दोनों फीमेल? भैया ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल की है। हाँ 5 ईयर्स, ये 2.5 ईयर्स की है ये। अच्छा वाओ क्या बात है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा इसके कान देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, उसका फेस देखो कितना ज़्यादा। ये भी अपनी खुद की ब्रीडिंग की है भैया दोनों? ये सब अपनी ब्रीडिंग की है ये। क्या बात है यार, देख रहे हो कितने खतरनाक लग रहे हैं। इसकी आंखें देखो यार आप, देखो। अच्छा ये भी अग्रेसिव नहीं है, दिखने में दोनों ही अग्रेसिव लगेंगे, बट ये भी दोनों अग्रेसिव नहीं है ना भैया? नहीं भैया अग्रेसिव है, कोई डॉग नहीं मिलेगा। ओके गाइस, सो अभी भैया ने जो है एक बहुत ही प्यारी अपनी दूसरी अमेरिकन बुली फीमेल को मंगवाई। ये इसका नाम क्या भैया? डेजी नाम है भैया इसका। वाओ यार इसकी एज कितनी है? ये 2.5 इयर्स के अराउंड। अरे यार इसका कलर देख रहे हो, उसके बाद इसके मसल्स ये देखो थोड़ा सा। भैया ये ऐसे आप मुझे बताते कि इनको आप सर्दियों के टाइम इनको मतलब आप ऑलमोस्ट इनका फैट क्यों कम करवाते हो? जैसे मैं देख रहा हूँ इनका ऑलमोस्ट फैट कम है, एक्स्ट्रा कर देते हैं इनको हम। अच्छा समझ में क्या होता है, मेरे को पूरा रेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, उस विंटर्स आती है हम एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है आपको खुद दिख जाएगा रिजल्ट इसका कैसा होता है। क्या बात है, ये देख रहे हो इनके इनका फेस देख रहे हो, इसकी तो स्पेशली आईज और इसकी भी आईज कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो ये डेजी भी आपकी खुद के घर की? अपनी बिल्डिंग की है, खुद के घर की बच्चे है यार। वो क्या बात, ये ब्लैक पैंथर और इसकी बच्ची है ये। अच्छा मैन की। अच्छा ये इसकी बेटी है? हाँ जी वो भी इसी की बेटी है। अच्छा वो भी? हाँ जी। वाओ ये यार ये बहुत अमेजिंग है, ये अग्रेसिव तो ये इनमें से कोई भी नहीं है ना, बिल्कुल, पर दिखने बिल्कुल में लगते सारे हल्क दिखाऊंगा, वो भी इसी का बच्चा है। अच्छा क्या बात है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट आपकी स्टार्टिंग सबसे पहले बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बिल्कुल पैंथर और ये मेरे स्टार्टिंग के हैं ये। हाँ हाँ अरे वाह यार, तो ये इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर में से एक है ये। हाँ भाई मेरा पैंथर और ये अपने साइज से बड़े डॉग प्रोड्यूस करता है। हाँ लिख रहा है वही होता है जो अपने से अच्छा प्रोड्यूस करे। हाँ ये दोनों ने अपना ऐसे ही किया है बिल्कुल। क्या बात है यार इनका देख रहे हो दोनों कितने ज्यादा अमेजिंग है ये। हाँ ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है दो बहुत ही प्यारे प्यारे अमेरिकन बुली के बच्चे हैं। पाजी कितने टाइम के होंगे ये? ये मेल भी आपका 5 मंथ्स के अराउंड है, फीमेल आपकी 6 मंथ्स के अराउंड। अच्छा, है ये मेल है और ये फीमेल है? हाँ जी भैया। और ये कौन सा साइज आएगा भैया? ये डबल एक्सेल है भैया, ये सब पैंथर के बच्चे हैं भैया ये। अच्छा सारे के सारे पैंथर के बच्चे अपने हैं? हाँ जी भैया। ये देखो कितना शरारती लग रहा है इसका, वैसे खुलते ही इसको भैया खुला छोड़ के देखिए कहाँ कितनी स्पीड है। खुले में तो बहुत नोटी है ये, है ना? बिल्कुल पकड़े नहीं पाओगे आप ऐसे। वाह भाई, तो बेसिकली इनको जगह चाहिए ही चाहिए। अगर आप भी इतनी बड़ी ब्रीड ले रहे हैं तो यार गाइस मेक श्योर कि आपके पास इतनी बड़ी जगह हो। ये देखो अभी ये खुला हो गया इसको। हाँ हाँ ये देखो। हाँ अरे 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 ये बॉल थोड़ी दूर फेंक ना, थोड़ी दूर फेंक के। नहीं नहीं छोड़ दो फिनिश करके बॉल छोड़ दो दूर। ये देखो खेलने दो। ओके गाइस, तो ये देख लें इसको बॉल मिल गया है, पहले जैसे इसको बॉल मिली थी, अब ये बस ये इससे जाके लड़ने ना लग जाए इस बॉल के पीछे, वो ले गया उसको उतनी दूर। तो देख रहे हो कितना बड़ा स्पेस इनको दिया हुआ है इस चीज़ के लिए कि सिर्फ ये खेल सके, है ना? ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, सो ना ही सिर्फ बड़े बड़े अमेरिकन बुली भैया के पास, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब बच्चे इन छोटी ब्रीड भी है। तो मैं आपको तभी दिखाता हूँ
ये देख रहे हो ये तीनों के तीनों ब्लैक ही यहाँ पर। अरे 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 अरे, तो इनमें से आप पहले ब्रीड गेस करो। ये दो जो है ये हैं फ्रेंच बुलडॉग और ये जो है माइक्रो साइज अमेरिकन बुली है। वाओ भैया, ये दो कितने टाइम के होंगे तीनों ऑलमोस्ट? भैया जो जो फ्रेंच बुलडॉग है ये एप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स के अराउंड है। हां, जो माइक्रो मेल है ये एप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स प्लस का है ये। अच्छा, ये मेल है? हां जी भैया। बड़ा छोटा यार, दिखाना 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 उठा के। अरे ये दिखाता हूं मैं आपको भैया का, ये अमेरिकन बुली माइक्रो साइज में है। वाओ यार, ये बड़ा प्यारा है। हां हां, अरे क्या बात है, बड़ा स्मार्ट बॉय है। ओए, बहुत ही छोटा साइज है यार भैया इसका, है ना, बहुत बहुत कॉम्पैक्ट साइज है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है प्यारे प्यारे, ये देखो ये नीचे खेल रहा है। ये आपको सबको पता ही होगा कि फ्रेंच बुलडॉग तो मेरी फेवरेट ब्रीड में से एक है। ये देख रहे हो ये कितने एक्टिव होते हैं और कितने शरारती होते हैं, आप देख ही सकते हो। वो देखो, अरे भाई अच्छा अच्छा, बस वो देखो आपस में लड़ रहे हैं, इसको भी अंदर जाना है इनके साथ खेलने। वाओ यार, तो भैया आपका मन लगा रहता होगा घर पे ना, है ना, पूरा दिन यहीं पे निकल जाता होगा। ये ब्रीड ऐसी है भैया, ये नॉटी टाइप की ब्रीड है ये, है ना, इसको खेलने मजा आता है, खिलाने मजा आता है, पहली बात तो है ना, और बंदा सुबह से शाम तक बोर नहीं होता। हाँ, ये है स्पेशलिटी की। ये तो भैया है ही है, बिल्कुल सही बात है। ओके गाइस, भैया के पास जो है मैं एक और डॉग दिखाता हूँ जो की है इंग्लिश बुलडॉग। देख लो कितनी छोटी सी है, कितनी एज होगी भैया इसकी? ये 2 साल के आसपास है, 2 साल कम ही होगी ये। वाओ यार क्या बात है, हाँ यार क्या बात है, कितनी प्यारी और कितनी छोटी, आप देख सकते हो गाइस ये भी। सो विद दैट पाजी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। और अभी पीछे बहुत सारा शोर मचा हुआ है यहाँ पे और बहुत प्यारे डॉग है। आई होप आने वाले कुछ और भी वीडियोस हम आपके साथ करें यार। आपको जरूर बुलाऊंगा भैया, मैं जो मेरे नए डॉग्स होंगे इंटरव्यूज आपको जरूर बुलाऊंगा भैया, मैं स्पेशली मैं आपको। थैंक यू सो मच भैया। और भैया को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, भैया के सारी डिटेल्स वहां पर दी हुई है। एंड विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, मिलते हैं हम आपको सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।